All right, guys, this is the Sorted TV and you're watching the Sorted Reviews. My name is Bani and he is Nikhe. You can see my smile on my face because this is Chitran Shiryani. Nakrilo. भाई शी इज ब्यूटीफुल ठीक है मैं अभी मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट ठीक है तुम गाना सुनने आया मैं देखने आया हूं ठीक है आई विल बी वेरी ऑनेस्ट इतनी ऑनेस्टी की अच्छी बात नहीं है ओके सो दिस इज चित्रांशी ध्यानी एंड लक्ष्य कपूर ठीक है दिस इज अ डुओ और यहां पर गाने का नाम है दीदार हुआ आगे पढ़ दे भाई अच्छा सॉरी यार फीचरिंग मोहित हिरंदानी म्यूजिक दिया है विभास अरोरा ने लिरिक्स दी है अभेंद्र कुमार उपाध्याय के एंड इसकी सारी डिस्क्रिप्शन ना आपको यहाँ पे विजिबल होगी लेबल है इसका ऑसम रिकॉर्ड्स ऑसम रिकॉर्ड्स पे ना कुछ दिनों में हम देख रहे हैं बहुत जबरदस्त गाने आ रहे हैं नकरीलो ठीक है अमित बडाना का गाना आया था जो हमने किया था मैं लिंक पे जरूर मतलब डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक जरूर छोड़ूंगी अगर आपने मिस किया तो प्लीज जाके जरूर देखना भाई गाने का नाम है दीदार हुआ 3 मिनट 48 सेकंड आई एम गोना थिंक भाई क्या ये गाना लंबा होने वाला है नहीं तुम खुश रहो क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है वन टू थ्री प्ले मनप्रीत कौर प्रेजेंस मुझे जब से तेरा दीदार हुआ मेरा सूफी सा किरदार हुआ मुझे जब से तेरा दीदार हुआ मेरा सूफी सा किरदार हुआ मैंने हर्फ हर्फ लिखा तुझे और खुद भाई I didn't expect this to be a kind of a kawali thing, yaar. हाँ. बहुत अच्छा लग रहा है यार सुनके. Starting was little. मैं सोच रहा हूँ क्या भी story is good. अभी समझ आ रहा है क्या हो रहा है. But जैसा वो कर रहे हैं ना, this is something really beautiful. और भाई, I'm fan of kawalis, यार. से तेरा दीदार हुआ, मेरा सूफी सा किरदार मुझे जब से तेरा दीदार हुआ मेरा सूफी सा किरदार हुआ मैंने हर्फ हर्फ लिखा तुझे और खुद गुस्सा हो गया तू भूल है तेरी संगत में मैं खुशबू सा हो गया तेरे इश्क का जो हकदार सूफी सा किरदार हुआ मैं दुआओं की जगह पे तुझको पढ़ के आई हूँ हाँ मैं दरगाह हो पे जाके बांध दिल को वाली रस में पूरी तू कर दे अपने लिए मुझको जरूरी तू कर दे मेहरबान खुदा इस बार हुआ हाँ जब से तू मेरा यार हुआ मैंने हर्फ हर्फ लिखा तुझे और खुद गुस्सा हो गया तू भूल है तेरी संगत में बहुत अच्छा था ना हाँ मैं ना, हो गई थी ओके यहाँ पे ना चित्रांशी का एक पार्ट आया जिसमें I just listen to her voice close your eyes and listen to her voice ठीक है वो बहुत सुंदर है शी मतलब वो मिठास है ठीक है हो पे जाके बांध दिल को आई इश्क वाली रस में पूरी तू कर दे अपने लिए मुझको जरूरी तू कर दे मेहरबान खुदा इस बार हुआ हाँ
जब से तू मेरा यार हुआ। मैंने हर्फ लिखा तुझे और खुद उर्दू सा हो गया। तू फूल है तेरी संगत में मैं खुशबू सा हो गया। तू फूल है तेरी संगत में मैं खुशबू सा हो गया। लेकिन मुझे नहीं बहुत अच्छी चीज लगी, शी इज टॉकिंग एंड वो ना गाना इस तरह से दिखाया गया कि वो उस जो वो सोच रहा है, he's just singing also था। और बहुत अच्छा। संगत में मैं खुशबू सा हो गया। हमारे जैसा कपिल तेरी हर तरफ लिख ले मुझे। इस तरह तुम मेरे होते हर तरफ दिखते मुझे। इतनी मोहब्बत लेके तू आना तुझ में ही बीते मेरा जमाना। मुझे सच में ये ऐतबार हुआ। हाँ तू ही मेरा और खुद उर्दू सा हो गया। तू फूल है तेरी संगत में मैं खुशबू सा हो गया। इश्क में इश्क में इश्क में तेरे इश्क में इश्क में इश्क में इश्क में इश्क में इश्क में तेरे इश्क में इश्क में इश्क में इश्क में इश्क में इश्क में तेरे इश्क में इश्क में इश्क में इश्क में इश्क में इश्क में तेरे इश्क में इश्क में इश्क में। भाई बहुत सुंदर गाना था यार। आई लव दी क्लोजिंग पार्ट हियर यार। ठीक है, गाने का स्टार्ट वॉज बिल्डिंग अप बट जो लास्ट पार्ट जो एंड हुआ ना इश्क में इश्क में इश्क में एंड द क्लैप्स, भाई बहुत तोड़ू था। गुड कॉन्सेप्ट, मैं एक चीज वेरी गुड कॉन्सेप्ट। जो गाना होता है ना, ठीक है वीडियो इसका था बट ना जो बहुत जो कहते ना एक सही गाना आपको भी अपनी स्टोरी में ले जाएगा, आप भी इमेजिन करने लगोगे। एंड मेरे साथ ना ये हुआ है लिटरली। आई वाज आल्सो इमेजिनिंग द सेम थिंग। वो भले ही वो स्कूटी वाला सीन था, हमारे डिफरेंट थे। तो मैं इसमें नहीं, हम लोग ऐसे वाले थी नहीं। हम तो कॉलेज की बस में अलग अलग बैठते थे, मेरी बस अलग, निकी के अलग। हम लोग भी चाय वाले कपल हैं कि भाई जब जाते हैं डेट पे चाय वाली जगह ढूंढते हो, चाय पी के आते हैं। हम टपरी पे खड़े होकर चाय पीते हैं। वी एंजॉय दैट। आई थिंक कमिंग बैक टू दिस, देखा तुम चले गए ना अपने जोन में, सो दैट दिस सॉन्ग हैज दैट पावर। बोल लो ठीक है। स्टोरी लाइन जिसने लिखी है वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। बिकॉज वो वहां से स्टार्ट हुई जहां से मतलब गाड़ी खराब थी उनकी, हाँ ठीक है। और फिर बाद में लड़की का पार्ट ना तब आया जब वो बाद में लड़की उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुई है। हाँ। तो वो पार्ट भी बाद में आया है, ठीक है। तो वो काफी अच्छा सोच के बनाया गया गाना, अच्छी राइटिंग है गाने की, अच्छा गाया गया है। आई लव्ड बोथ दी वॉइसेस। मैं सिर्फ चित्रांशी की नहीं बोलूंगा, लक्ष्य योर वॉइस इज आल्सो सो गुड। एंड दी कवाली पार्ट एट दी बैक जो क्लैप करके चल रहा था इश्क में इश्क में इश्क में, दैट वाज कमेंडेबल। ब्यूटीफुल अमलगमेशन, ब्यूटीफुल वीडियो, ब्यूटीफुल सॉन्ग। What we gonna do is we gonna leave a link in the description box to the original video. आप जाके please original देखिए, Spotify सब जगह पर गाना है, सब description में links हैं जहाँ जहाँ ये गाना है। आप please जाके देखिए, play कीजिए। This is something really beautiful. Set the vibe. Winters आ गई हैं, तो ऐसा गाना सुनना बनता है। Yes, we gonna see you some other time. इनका नाम है बानी और यही end करेंगे। मैं ही end करूंगी। चलो see in the next video. Adios.